अस्सलाम वालेकुम जी सी यू एफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिएगा। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं BA ADA पार्ट वन इंग्लिश के मुतालिक। इसके अंदर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बुक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं जी सी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में या जिन्होंने लिया हुआ एडमिशन, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह अगर आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पेपर को डिस्कस करेंगे, पेपर आता कैसे है, आना कहाँ से है और कैसे आता है। स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाती हैं, मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो आप लोगों को बताते चलें, ये ऑफिशियल आप लोगों के सामने सिलेबस आउटलाइन है जो कि यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑफिशियल पब्लिकली मौजूद भी है, आप लोगों के पास होगी भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बुक्स की बात करें ना, तो बुक्स अगर देखें तो यूनिवर्सिटी ने जो रिकमेंड की हुई है ना, चले मैं आप लोगों को ये बात बताने से पहले आपके साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर करता चलूँ। अगर आप पार्ट वन के नोट्स परचेज करना चाहती हो या फिर आप पार्ट वन इंग्लिश BA ADA की तैयारी करना चाहती हो, तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन जूम ऐप के ऊपर लेक्चर्स भी ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इन चीज़ों के नोट्स भी परचेज कर सकती हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर हम बुक्स की बात करें तो ये बुक्स हैं जी जो कि यूनिवर्सिटी की जानिब से रिकमेंड की गई हैं। लेकिन ये मोस्टली जो बुक्स होती हैं ना, अगर आप लेना चाहती हैं ले लें, वरना अगर आप कारवान की लेनी है, अपने टू दी पॉइंट की लेनी है, करंट की लेनी है, तो वो भी आप ले सकती हैं। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करती हैं नोट्स से। अगर आप लोगों के पास नोट्स हैं किसी टीचर के तो आप वहां से कर सकती हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमसे परचेज कर सकती हैं। तो चलें जी आप डिस्कस करते हैं सिलेबस को लेकर। तो इसके अंदर जो अगर सेक्शन, दो सेक्शन है बेसिकली, एक सेक्शन वन जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो आपका डिपेंड है सारा बुक के ऊपर, और जो सेक्शन टू है वो आपका अनसीन है। अब जो सेक्शन वन है ना उसकी बात करते हैं। टोटल सेक्शन वन के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 60 होती हैं, यानी कि 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, नंबर वन पे है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, नंबर टू पे है क्वेश्चंस और नंबर थ्री पे भी है क्वेश्चन। अब ये आने कहाँ कहाँ से हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो पहला सवाल है ना रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, ये आपका पोएम से और प्लेस से बनता है, यानी कि पांच आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आए होते हैं। अगर आपको नहीं तरीका पता कि आपने ये रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कैसे करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ये भी आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। तो पांच होते हैं, आपने तीन करने होते हैं, 20 मार्क्स का ये वाला सवाल होता है क्वेश्चन वन। जो दूसरा सवाल है उसमें बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर सवाल आते हैं, नंबर वन शॉर्ट स्टोरीज और नंबर टू प्लेस का, ठीक है। ये दोनों को मिलकर ये पोर्शन बनता है सेक्शन टू, जो सवाल टू बनता है ये इन दो चीज़ों का बनता है, ये भी 20 मार्क्स का होता है। और जो नंबर थ्री है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे जो सवाल आपको आते हैं ना, आपको आते हैं पोएम्स से, जो आपकी पोएम्स होती हैं ना उनमें से आपके ये सवाल आते हैं। क्वेश्चन थ्री आपका पूरा जो है ना वो मिक्स वो होता है पोएम से। तो आप, मैं आपको पेपर भी साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप जी सी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का चैनल देख रहे हैं और आपको यहाँ पे जी सी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की ही अपडेट्स मिलती है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। ये देखें जी आप लोगों के साथ पेपर मैं दिखा देता हूँ, ये देखें टोटल 100 मार्क्स का, ये देखें क्वेश्चन वन है जी, थ्री आपने करने हैं, पाँच में से रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट 20 मार्क्स। ये दूसरा पोर्शन है, इसमें जो है ना पाँच सवाल होते हैं, आपने तीन करनी है, ये भी 20 मार्क्स का है। और जो क्वेश्चन थ्री है ये भी आपका पांच सवाल पर मुश्तमिल होता है, आपने तीन करने होते हैं, ठीक है। चले जी अब बात करते हैं आप लोगों को, ये सवाल हो गया सेक्शन वन। अब ये है कि अगर आप बुक से देखोगे ना, तो आपको ये जो सवाल होती है ना, ये जो सवाल आए होते हैं बुक से, बुक में जो है ना एक चैप्टर के 15-15, 20-20 सवाल होते हैं, और वो सवाल आते भी नहीं है। और जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स आपके बनाए जाती हैं ऐसे कि आपने एक चैप्टर का एक ही सवाल करना है और वही आपने एडजस्ट करना है सवाल के आंसर में। आपको ज़्यादा जो है ना ज़रूरत ही नहीं परेशान होने की, नोट्स पकड़ो, नोट्स से तैयारी करो। जैसे एक पोएम है ना, उसका एक ही सवाल होगा, वो आपको जैसे भी सवाल पूछे आपने वो सवाल का आंसर उसमें एडजस्ट करना होता है, ठीक है।
ये सेक्शन वन है। और मोस्टली जो पेपर्स में सवाल आते हैं ना, वो आपकी बुक जैसे नहीं होते कि सेम जो है वो बुक में जैसे लिखा हुआ है वैसे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। किसी में वो एज अ समरी कह देते हैं कि इस पोएम की या इस शॉर्ट स्टोरीज की या इस प्ले की बता दें, या उसका जो टाइटल है ना उसकी आपने सिग्निफिकेंस बता देनी है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द, उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ये सवाल होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं किसी की समरी हो जाती है, कोई उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसके ऊपर आपको कह देते हैं, उसके ऊपर उसको नोट कर दें, उसको एक्सप्लेन कर दें। ऐसे आपका ये सेक्शन 160 मार्क्स का आपका होता है, जो कि आपकी बुक में से ही बनता है, बनता बुक में से है, लेकिन सवाल स्टेटमेंट सारा कुछ जो है वो चेंज होता है। अब बात करते हैं बाकी 40 मार्क्स। अब उसके लिए आपको सेक्शन 2 प्रिपेयर करना पड़ता है, और सेक्शन 2 के लिए आपको कोई भी बुक कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है। अगर आप उसको समझ लोगे, अगर रट्टा लगाओगे, अगर आप बोलोगे कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन के कुछ पैराग्राफ, कुछ ट्रांसलेशन के पैराग्राफ, कुछ डायलॉग दे दे तो वो मैं तैयार कर लूँ और वो पेपर में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता और ना ही हुआ है कभी। कभी है अगर तुक्का लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज आपको जो है ना इसकी जस्ट प्रैक्टिस करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग को कैसे हल करते हैं। जो पैराग्राफ आता है इंग्लिश का, उसकी उर्दू का, उर्दू में होता है उसकी इंग्लिश बनानी होती है, वो आपको कैसे आनी है जब टेंस आपको आती होंगे। एक डायलॉग है, आपने डायलॉग लिखने का तरीका, डायलॉग देख लेना है कि कैसे रवानी के साथ आपने डायलॉग लिखना है, तो वो डायलॉग आपने जो आप कर लोगे तो आप फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको डायलॉग आ जाए। इसके लिए बेहतरीन जो हल होता है वो ये होता है कि आप मल्टी डायलॉग कर लें, ताकि वो आप पेपर में एडजस्ट कर पाएँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो तैयार करते हैं वो पेपर में नहीं आती। ये जो पोर्शन है ये मोस्टली आप लोगों का सेम एज इट नहीं आता बुक से या नोट से या कहीं से भी, इसकी आपको जस्ट प्रैक्टिस है। जब आप 8-10 पैराग्राफ की प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन राइटिंग करोगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे हल करना है, और आप पेपर में बआसानी कोई भी पैराग्राफ हो आप उसको हल कर सकते हैं। दूसरी बात, ट्रांसलेशन जो आती है, उर्दू में पैराग्राफ एक आता है जिसकी आपने इंग्लिश करनी होती है, वो अगर आपके टेंस अच्छी हैं तो आपका वो भी पोर्शन क्लियर, अगर टेंस ही नहीं आती आपको तो आप उसकी कैसे कर सकती हो इंग्लिश। या फिर आपने पैराग्राफ की जगह पे डायलॉग लिखना होता है, डायलॉग आपका जो है ना देख ले। प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन राइटिंग आपका 25 मार्क्स का सवाल है, इसको कभी भी इग्नोर ना करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है, और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो नोट्स हैं उसमें आपके लिए प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन राइटिंग के पैराग्राफ इंक्लूड किए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उर्दू से इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है वो भी ऐड किए गए हैं, डायलॉग ऐड किए गए हैं, मल्टी डायलॉग भी ऐड किए गए हैं। अब ये जो पैराग्राफ आता है या डायलॉग आता है ये 15 मार्क्स का, 25 मार्क्स और 15 कितने हो गए 40, और 60 कितने हो गए 100 मार्क्स का आपका पेपर है। ये आपका BA ADA पार्ट 1 GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का है। कोशिश करें बुक की बजाय नोट से तैयारी करें, बुक बहुत लेंथी काम हो जाता है। अब आपको मैं पेपर पे दिखा देता हूँ, ये देखें सवाल नंबर 4 जो आपको कम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का आता है 25 मार्क्स का। इसमें आपने जो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं आपको ना, ये पैराग्राफ आता है, नीचे कुछ सवाल दिए होते हैं, और जो एंड पे आपका एक सवाल होता है ना वो होता है कि आपने इस पैराग्राफ की प्रेसी बनानी होती है। आपने नीचे कमेंट्स में करना है मुझे लाजमी कमेंट्स के मुझे तरीका हमें चाहिए कम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का, तो वो तरीका आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। अब आपने इसको जो है ना उसका हल करने का तरीका वो मैं सारा उस वीडियो में समझा दूंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो, आप कमेंट्स करोगे तो। ये जो सवाल होते हैं इसका आंसर देने का आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, और अगर जो आप एंड पे प्रेसी इस पैराग्राफ की बनाते हो तो उसके 10 मार्क्स होते हैं, टोटल 25 मार्क्स का सवाल होता है। अब बात करते हैं सवाल 5 की। सवाल नंबर 5 में आपने ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश में, या फिर आपने एक डायलॉग लिखना होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर तो आपके टेंस अच्छे हैं, पैराग्राफ आप हल कर सकते हो, तो आपको डायलॉग की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप डायलॉग तैयार कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है पैराग्राफ ट्रांसलेशन में तो आप ऐसे करें, पैराग्राफ की कुछ प्रैक्टिस कर लें और साथ में आप एक मल्टी डायलॉग कर लें। अगर आपको पैराग्राफ नहीं आता, कुछ वर्डिंग मुश्किल आ जाती है, पैरा मुश्किल आ जाता है, तो आप मल्टी डायलॉग को एडजस्ट कर पाओ। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की जाएंगी, आप लोगों को मुकम्मल गाइड किया जाएगा, डायलॉग भी आप लोगों के लिए शेयर कर दिया जाएगा, कम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग भी आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर कर दी जाएगी,
बाकी आप लोग ये नोट्स लेकर बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर सकती हैं, आप लोग समझ सकती हैं। अगर आपको बोलें कि कोई टीचर आपको ऐसे नोट्स दे कि सारा पेपर वही आए, तो ये भूल है आप लोगों की। आप बेसिकली नोट्स का मकसद ये है कि आपने तैयारी वहाँ से करनी है और एडजस्ट करना है, और वो एडजस्ट हो भी जाती है। 2021 के लिए स्टूडेंट ने तैयारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के लिए भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट के मार्क्स भी अच्छे हैं, 50+ में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं इन नोट्स से तैयारी करके। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ पार्ट टू का ADA BA और BSc का ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया हुआ है। बस छोटा सा काम करें, आप लोगों ने क्या करना है, GCUF यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस ये आप लोगों ने करना है। बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह ऐसे ही मजीद वीडियोस मिलती रहेंगी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि GCUF यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।